हेलो फ्रेंड्स, संगीताज फ्लेवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कश्मीरी पुलाव। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने एक कटोरी बासमती राइस ले लिए हैं। इनको मैंने 3 से 4 बार अच्छी तरह पानी से वॉश करके आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। और मैंने ये 15 से 20 बादाम लिए हैं, 15 से 20 काजू लिए हैं, ये आधे वाले काजू लिए हैं मैंने। ये 1 चम्मच सौंफ पाउडर है, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है। ये 7-8 लौंग लिए हैं मैंने, 2 हरी इलायची ली हैं, 2 बड़ी इलायची ली हैं और 10 से 12 मैंने ये काली मिर्च ले ली है साबुत और 2 तेज़पात के पत्ते ले लिए हैं। और ये जो हमारे खड़े मसाले हैं इनको हम दरदरा पीस लेते हैं। आप चाहें तो मिक्सी के जार में पीस सकते हैं या फिर खल्लड़ में भी इनको कूट सकते हैं। ये जो हमारी बड़ी इलायची हैं और हरी इलायची हैं इनका हम छिलका उतार देंगे, सिर्फ दानों को ही पीसेंगे। हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई गर्म हो गई है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे। घी गर्म हो चुका है, ये काजू डाल देंगे, बादाम डाल देंगे। काजू और बादाम को भून लेते हैं। ये काजू और बादाम हमारे भून चुके हैं। अब हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। दो तेज पत्ता डालेंगे और ये जो हमने खड़े मसाले कूटे थे ये भी डाल देंगे। थोड़ा मसालों को भूनेंगे, उनको भी मिक्स कर देंगे मसालों के साथ। गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे। अब हम ये अपने चावल भी डाल देंगे। दो मिनट के लिए चावलों को भी भूनेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। ये सॉफ्ट पाउडर भी डाल देंगे और ये लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। इनको भून लेते हैं, हल्के आंच से चलाएंगे क्योंकि चावल हमारे भीगे हुए हैं तो टूट जाएंगे, तो इसलिए बहुत हल्के हाथ से चलाना है चावलों को जिससे चावल टूटे नहीं। ये चावल भुन चुके हैं, बस हमने 2 मिनट के लिए इनको फ्राई किया। हम इसमें 2 कटोरी पानी डालेंगे क्योंकि हमने 1 कटोरी चावल लिए थे, तो इसमें अब 2 कटोरी पानी डालेंगे। गैस की फ्लेम तेज कर लेंगे उबाल आने तक। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, मैंने 1/2 चम्मच नमक डाला है। करेंगे
ये देखिए पानी में उबाल आ चुका है। अब हम गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे, बिल्कुल स्लो गैस कर देंगे और इसको ढककर 10 मिनट के लिए पकने देंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। 5 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, एक बार चेक कर लेते हैं। अभी तो इसमें पानी काफ़ी है, गैस की फ्लेम को स्लो ही रखना है तभी हमारा चावल अच्छा बनेगा, नहीं तो क्या होगा पानी जल जाएगा और चावल कच्चा रह जाएगा। अभी इसको 5 मिनट के लिए और पकने देते हैं, फिर चेक करेंगे। एक बार और चेक कर लेते हैं, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, तैयार हो चुका है हमारा पुलाव। चेक कर लेते हैं, चावल हमारा गल चुका है। पानी सारा खत्म हो गया है इसका, गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। गैस बंद करने के बाद इसको ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे क्या होगा ये बफ जाएंगे चावल, तो एकदम खिला खिला चावल निकलेगा फिर। तो फ्रेंड्स चेक कर लेते हैं, देखिए फ्रेंड्स एकदम खिला खिला बने हैं हमारे कश्मीरी पुलाव, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब हम इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। कितने सिंपल तरीके से बनाया है मैंने इसको, बहुत इजी है इसको बनाना, आपका जब मन करे तब आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।